प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना भोजपुर के नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी मुन्ना आरिफ ने कुछ दिन पहले कस्बा भोजपुर के युवक को 2 लाख रुपए हाथ उधार दिए थे, जिसके चलते चेयरमैन के पूर्व प्रत्याशी मुन्ना आरिफ ने अपने पैसे मांगे तो उल्टा ही दबंग युवकों ने मुन्ना आरिफ को अकेला देख धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते दबंग युवकों ने चेयरमैन प्रत्याशी को जमकर पीटा, जिसमें पीड़ित आरिफ ने भी अपने बचाव को लेकर उन पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से गंभीर चोटें आई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया था। चेयरमैन प्रत्याशी मुन्ना आरिफ व उसके सगे भाई को पुलिस ने मौके वारदात से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें दूसरे पक्ष से अभी तक भोजपुर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके चलते पूरा प्रत्याशी चेयरमैन मुन्ना आरिफ के परिवार ने दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी ना होने को लेकर मुरादाबाद के प्रशासन से काफी निराश है और आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। चेयरमैन पर प्रत्याशी के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज है, दोनों ही पक्ष दोषी हैं तो दोनों ही पक्ष से आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए थे, जिसमें पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन आरिफ व भाई के जेल में बंद कर रखा है, ना कि दूसरे पक्ष की तरफ से अभी तक किसी भी दबंग युवक की पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे पक्ष के दबंग लोगों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी, या फिर यूं ही दबंग आरोपी पुलिस की आंखों में आंखें डाले घूमते रहेंगे। पूरा मामला है, बताइए। 2 लाख रुपए दिए थे इनको इरफान को, जी फुरकान को 2 लाख रुपए दिए, क्या कहते हैं, जिसमें से क्या कहते हैं, कई दिन से कह रहे हैं पैसे, तो उन्होंने इनको पैसे देने का वादा किया, जिसमें से फ्रूट का ठेला लगाते हैं ये लोग, और क्या कहते हैं अपने पति को, क्या कहते हैं मेरे पति का है, और क्या कहते हैं उनको कहते हैं पैसे लेने का है, तो कहते हैं उनको और हमला बोला ये इन लोगों ने तमाम, और क्या कहते हैं फायर वायर सब मारा सिर पे, मेरे देवर के भी और उस पर भी, उन पे भी मेरे पति पे भी, और क्या नाम लेते हैं उस पर, क्या कहते हैं कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, वो मेरे पति को मेरे देवर को जेल में डाल दिया ले जाकर, और वो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए आपके पति को जेल में? 10-11 दिन हो गए हैं। क्या चाहती हो आप? बस ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, अगर मेरे पति जेल में गए हैं तो उन वो भी जेल में जाना चाहिए, उन लोगों को लोग भी, अगर ऐसा नहीं होता है, पति और देवर है मेरे वहाँ पर, अगर वो लोग पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजेगी तो क्या करोगी? तो इंसाफ चाहिए मुझे, नहीं तो उनको भी छुड़ा जाओ, उनको भी आना चाहिए निकल कर, इंसाफ होना चाहिए सबको, सबके साथ इंसाफ में डाला गया है। मेरे देवर जी फुरकान को 2 लाख रुपए हाथ उधार दिए हैं, जब वो मांगने जाते हैं जी। तो धमकी देते हैं जी। नहीं दिए फिर वायदे पे बुलाया उन्हें, तो फिर वहाँ बहुत लोग बैठे हैं जी, तो उन्होंने झाड़ा शुरू कर दिया जी। मेरे चाकू का, मेरे देवर का वो मारी तलवार जी, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए उन्होंने भी झगड़ा कर, उन्होंने भी कुछ मारा जी। फिर 10-8 लोग वो मिलकर मेरे देवर को और दोनों देवरों को बहुत मारा, उन्हें फिर थाने के सामने झगड़ा हुआ है, तो उन्हें वहाँ ले गए, उन्हें ऐसा उन्हें वहाँ पकड़ लिया, उधर से कुछ नहीं पकड़ा गया कोई भी जी। फिर थान जेल भेज दिया मुरादाबाद की, फिर वहाँ जाकर उधर से कुछ नहीं लिया ना, हमारी तो कोई वो हो रही सुनवाई हो रही, हम रोज जाते हैं, रोज लौट कर आ जाते हैं। अब क्या चाहती हो तुम? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे देवर जेल में है तो उनकी तरफ से भी जेल जाने चाहिए, ना तो उधर के छुटे हुए हैं तो हमारे तरफ से भी छोड़ा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।